हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रितिका संगटोर एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग फूड सीरीज कॉल्ड एज इंडोर फूड सीरीज सीजन वन। और ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली 56 के बारे में होने वाला है। 56 दुकान, 56 दुकान, यहाँ पे ना स्पेसिफिकली 56 दुकान है और उसमें भी आपको इनक्रेडिबल फूड मिलेगा इंदौर का। यहाँ पे आपको समोसे मिलेंगे, यहाँ पे आपको आइसक्रीम मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्रेंकी मिलेगा, डोसा मिलेगा, चाय मिलेगा, हॉट डॉग मिलेगा, बहुत कुछ है यार। मैंने ना एक प्यारा सा हाइपर लैप्स भी शूट किया है, बहुत अमेजिंग होने वाला ये वीडियो। आपको कोई भी कारण पसंद आया ना ये वीडियो और ये सीरीज, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। अभी आप हाइपर लैब्स देखो। गाइज, मैंने जैसे आप सभी को इंट्रोडक्शन में बताया, 56 दुकान मतलब 56 दुकान एक ही जगह पे एक ही प्लेस में होते हैं और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड मिलता है, जैसा मैंने इंट्रो में बताया। तो हमारी जो फर्स्ट लोकेशन है वो डोसा क्राफ्ट। इसका वीडियो मैं कल ही बनाने वाला था सराफा बाजार में, बट बहुत ज़्यादा क्राउडेड था तो यार बनाने के लिए मिला नहीं। तो यहाँ का ना जो फायर डोसा है, अरे वाह भाई वाह, मतलब अपने जो विमान नगर वाले भैया है ना, वहाँ पे भी फायर डोसा जिस प्रकार का नहीं मिलता होगा ना, वो इंदौर में यहाँ मिलेगा। रवि डोसा वाले भैया, नहीं देखा होगा तो वीडियो पुणे का देख लेना, आई बटन में लिंक दी है, उससे भी बाप है ये वाला डोसा। ये अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला है, मतलब जो आईफोन 12 होता है ना, आप बोलते हो अल्ट्रा प्रो मैक्स एकदम रापचिक होता है, वैसे ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है रवि डोसा का। तो चलते हैं, देखते हैं प्रिपरेशन कैसे है। ये वो वैसा आएगा ना, सिर्फ एक थोड़ा सा पार्ट लेना है उसका, बाकी कुछ सो फाइनली गाइज, हमारा डोसा रेडी हो चुका है, फायर डोसा इसका नाम है। इसकी प्रिपरेशन देखो यार, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से इसको रोल करके प्रिपेयर करके दिया है विथ फुल्ली लोडेड चीज़। और हमारे पास दो सॉसेस या दो डिप है, पहली डिप कोकोनट वाली और दूसरी डिप है जो टमाटर चटनी है। और ऐसी लोकेशन ना मैंने विमान नगर में देखी थी पुणे में, और पहली बाइट लेने के लिए मैं बेकरार हूँ यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच सोनी भाई फॉर सजेस्टिंग दिस प्लेस, 10/10 वाली लोकेशन है। पर्सनली यहाँ के ना सॉसेस बहुत एक नंबर है, दिल खुश कर दिया यार, दिल खुश। भैया ने इसके ऊपर जो चीज़ लोडेड किया ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इसका क्रिस्पीनेस बहुत वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। उसके बाद मैं आपको इनके सॉसेस बोलना चाहता हूँ, बहुत 10/10 वाले थे। और आपको बताना चाहता हूँ, ये 56 में आती है ये दुकान, डोसा क्राफ्ट के नाम से ये शॉप है और बहुत वर्थ इट वाली शॉप है। मैं तो कभी भी अगर वापस इंदौर आऊँगा तो यहाँ पे वापस आना बनता है। ये
चार अलग, दो अलग, छह वे, चार सौ सर, चार वे यहाँ पे, चार यहाँ पे, चार वे, चार वे, कोई, देखो, मेरा ही काम, ये भी गाइस अंकल की स्पीड देखो यार, प्रिपरेशन की क्या फास्ट है यार, क्या फास्ट है। ये बताओ ये दुकान को कितने साल हो गए और अपने पास कौन से हॉट डॉग मिलते हैं? हाँ जी, ये दुकान को मेरे को 45 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। 45 वर्ष वो तीन चीजें बनाते हैं हम तो, एक तो ये आलू की टिक्की वाला, ये आलू की टिक्की वाला, हाँ ये बन में लगा देते हैं। दूसरा आमलेट बन में लगा देते हैं, तीसरा नॉनवेज टिक्की, हाँ बन में लगा देते हैं। नॉर्मल टिक्की, हाँ नॉनवेज टिक्की भी है हमारे पास, नॉनवेज टिक्की। ये देखे ना थोड़ा वेज आटा के, मटन आटा के और एग बन जो है हमारा, तीन चीजें, हाँ तीन चीजें। हाँ जी, ये क्या है? फ्रेश खाना है सर, ये प्रोसेसिंग फूड नहीं है, ये फ्रेश फूड है, फ्रेश फूड है, इसलिए लोग ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं इसको। अच्छा, और हेल्दी भी है, हेल्दी भी है। हाँ, थोड़ा बहुत वड़ा पाव एक अलग कंसेप्ट है, वो बेसन से बनता था। अच्छा, ये हम लोगों ने खाली ब्रेड है और हम इसमें घी का उपयोग करते हैं, प्योर घी का, प्योर घी, क्योंकि बच्चे बहुत हैं पढ़ने वाले खाने वाले हमारे पास, तो उनको हमको डाइट तो देना है ना सर, फिर क्योंकि आगे भविष्य तो वही है हमारा, देश का भविष्य है वो तो। थैंक यू समय देने के लिए। अड्डा, ये नॉनवेज वाला? हाँ जी। कौन सा? मटन वाला। मटन वाला पहले हम ये ऐसे ही परोस रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण अब हम लिफाफे में देने लग गए। अच्छा, क्योंकि सर संक्रमण बहुत फैला हुआ है। हाँ, संक्रमण तो बहुत ज्यादा, सबको बचना बचाना भी है हमको। बराबर, प्लेटें धुले या नहीं धुले बढ़िया तरीके से। सो गाइज, जो हम प्लेस पे थे अभी वो था जॉनी हॉट डॉग। जो अंकल है वो ऑलमोस्ट 30+ ईयर से यहाँ पे शॉप चला रहे हैं, मतलब उनकी शॉप 30+ ईयर हो गई है, और इनके पास एग वाला भी अवेलेबल था, मटन वाला भी अवेलेबल था, तो मैंने मटन वाला तो ट्राई करने नहीं वाला, तो वो मेरा भाई जो आया है गणेश भाई वो ट्राई कर रहा है, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ये जो वेज वाला है। इसके साथ इन्होंने दो चटनी दी, एक टोमेटो सॉस और एक मिंट वाली, और कितना था सोनी भाई? 30 ना? 30। भाई साहब, इसकी ग्रेविटी वर्थ इट है यार, मतलब इस पे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, 10/10, 30 रुपए के हिसाब से वर्थ इट है। और अंकल ने जो बताया देसी घी का इस्तेमाल, एक नंबर यार। यहाँ पे आओगे ना सराफा में, नहीं सॉरी सराफा बोल रहा हूँ, 56 में, तो ये जॉनी हॉट डॉग डेफिनेटली ट्राई करना। राजकचोरी, राजकचोरी, यस। और अपने पास कौन सी कचौरी है? राज कचौरी है, लच्छा टोकरी चाट है, दही पूरी है, पपड़ी चाट है। हाँ, 20 तरह की चाट बनती है हमारे यहाँ, 20 तरह की। यस सर, ये सब चाट के आइटम है पूरे, छोले टिक्किया है ये सब। अच्छा, इसमें पटेटो कहा जाता है, आलू। अच्छा, स्मैश्ड आलू। यस, इसमें खास किस्म का मसाला जो तैयार करते हैं हम खुद करते हैं, आपका स्पेशल मसाला? हाँ जी, ये डाला जाता है इसके अंदर। अच्छा, ये मोठ डाले जाते हैं इसके अंदर, मोठ। हाँ जी, बॉइल्ड चना डाला जाता है, बॉइल्ड चना, फिर इसमें मसाला डाला जाएगा। कौन सा वाला? स्पेशल वाला हमारे यहाँ, स्पेशल वाला। इसमें ड्राई आलू को क्रेची करके तला जाता है, वो डाला जाता है इसमें। अच्छा, मतलब फलारी टाइप? फलारी टाइप, यस। फिर इसमें बूंदी डालेंगे, बूंदी, चना डाल रहेगी, चना डाल, फिनेट रहेंगे, इसमें ओनियन डाला जाता है, ओनियन, टमाटर डाला जाएगा, टमाटो, टमाटर, हल्का सा मसाला डाल के, दही भी जाएगा ना, इससे दही बड़ा डाला जाएगा, दही बड़ा, यस, फिर सिर्फ दही रहेगा, हमारे यहाँ ही बनता है, हर जगह का अलग अलग होता है। ये कुछ यूनिक बता रहे हो आप? यस सर, दही बड़ा डाला इसके अंदर। अच्छा, फिर इसमें पीसा हुआ जीरा डाल के, पीसा हुआ जीरा डाल के,
फिर ये ग्रीन चटनी पुदीना का मिक्स कर इसके अंदर। अच्छा ग्रीन चटनी। इमली का चटनी डलेगा। इमली का, इमली और खजूर का मिक्स है इसमें। अच्छा फिर दही डाला जाएगा इसके अंदर। श्रीखंड मिक्स है दही के अंदर। अच्छा श्रीखंड मिक्स है। यस नॉर्मल दही मीठा वाला दही। ना 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 इसके ऊपर चीज डाला जाएगा। चीज। यस ये राजकचौरी नहीं लग रही, कुछ अलग ही लग रहा है। चल रहा देखो आप देखो कैसे ही मिलेगा मेरा ये राजकचौरी। ये होने का स्पेशल है। फिर इसके ऊपर इसको आलू भुजिया डाला जाएगा। आलू भुजिया पालक वाला डाला जाएगा इसमें। हाँ आलू भुजिया। हाँ फिर अनार डाले जाएंगे। अनार ये हो गया आपकी राजकचौरी स्पेशल दिया। सो गाइस हम जो हमारे थर्ड लोकेशन पे आए उस लोकेशन पे हम ना राजकचौरी ट्राई करने वाले। आपने राजकचौरी का नाम सुना होगा हल्दीराम्स में या बीकानेर में, तो हल्दीराम की राजकचौरी कुछ अलग ही बनती है। बट इनकी जो राजकचौरी बनी है ना, मैं शॉक हो गया। चीज़ तीन प्रकार के आलू शेव, मतलब येल्लो वाला, पालक वाला, अपना रेड वाला आलू शेव है, उसके बाद अनार है, और इनका जो दही है नॉर्मल दही नहीं है, वो दही के साथ श्रीखंड है। तो यार ट्राई करते हैं। और बहुत सारे मसाले डाले यार इन्होंने। ये पहले मैं फीलिंग खा के देखता हूँ कैसा। भाई जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ अतरंगी खा रहा हूँ राजकचौरी में। भाई बट कचौरी के क्रिस्पीनेस समय को समझ गया, बहुत तोड़ दिख रही है। इसको राज कचौरी में फ्यूजन खाना ना, वो ये डेफिनेटली ट्राई करो। इसका प्राइस नहीं पता बट मैं लास्टली ना डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लेना क्या था। 8.5-10 में से। जो ये 56 की दुकान की लेन है ना, यहाँ पे आपको जो चाहिए बहुत कुछ मिल जाएगा। बट हम ना स्पेसिफिकली कुछ कुछ ही ट्राई कर रहे हैं। तो लास्टली हम फोर्थ लोकेशन से जो ले रहे हैं मधुरम स्वीट से, हमने लिया है ये दाबेली। और सोनी भाई का बोलना था कि दाबेली यार यहाँ की अच्छी है, तो एक बार ट्राई करके देखो। बस थोड़ा सा ना मेरे को एक्सपेंसिव लगा, 30 रुपये की दाबेली है। नॉट बैड, 10 में से 8 यार। बट इनकी ना चटनी मेरे को तीखी दिख रही है, देखो उतार रहा शेजवान टाइप थोड़ा सा। जो दाबेली की चटनी होती है ना, थोड़ी तीखी बनाई है इन्होंने, बट सही था एक्सपीरियंस। सो गाइस हम हमारे लास्ट लोकेशन पे चल रहे हैं चकाचक। और ये जो है आपके सामने दिख रहा है, ये अंगारा पनीर टिक्का। मतलब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ टिक्का है, मलाई टिक्का है, गार्लिक टिक्का है, अचारी टिक्का है, मसाला टिक्का है, 3-in-1 टिक्का है। बट ये ना सबसे चटपटा अंगार वाला टिक्का है। मतलब हमने जब पूछा था भैया से तो हमको ऐसा चाहिए था, तो भैया ने बोला ये ट्राई करो। और इसके अंदर शिमला मिर्च है, और आपको बताने जाओ तो बेसन है,
उसके बाद खड़े मसाले और ये साथ में मिंट की चटनी। सोनी भाई प्राइस क्या है? 160 की 60 60 60 रुपीज़ 160 अच्छा 160 ठीक है यार, ये भी 10 में से 8 वाला है। मेरे को उतने पनीर के टिक्के पसंद आते नहीं है क्योंकि मैं चिकन लवर हूँ। अगर आप पनीर लवर हो तो डेफिनेटली ट्राई करो, चटपटा है, ये गारंटी बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आपको बताने जाऊँ तो ये वीडियो के अंदर हमने जो भी प्लेसेस दिखाए उसके बेस्ट ऑफ बेस्ट ये है कि जॉनी अंकल के हॉट डॉग, उसके बाद मैं आपको डोसा क्राफ्ट का फायर डोसा बोलना चाहता हूँ, और अगर आप कटोरी चाट के दीवाने हो तो वहाँ की कटोरी चाट खाना। और ऐसे ही हम ये वीडियो को एंड करना चाहते हैं। आपको कोई भी कारण वीडियो पसंद आया ना प्लीज़ कमेंट कर देना। आपसे मिलता हूँ कुछ दिनों में हट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।